हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 टास्क दिया गया है और टास्क द्वारा कुछ राज उगलाने की कोशिश करी है बिग बॉस ने, और कीचड़ उचड़ और बाल्टियां भर भर के लोगों का मुंह कीचड़ में लबालब किया गया। मुझे याद आ जाते हैं कि पुनीत कुमार सुपरस्टार अगर आज होते तो काफी इंजॉय करते और कैसे वैसे करते हुए पूरा फन मूवमेंट देते और काफी एंटरटेनमेंट कर सकते थे जनता को अगर वो रुकते तो। लेकिन सवाल पे आते हैं और सवाल ये था कि घर वालों के पीछे रह के और पीठ पीछे किसने की है वार और कौन कौन सी चीजें कही हैं, चुगलियां किसने करी है और उन चुगलियों को थोड़ा सा टाइटल दिखा के स्क्रीन पे फिर जज करने के भाई ये आपके लिए किसने कहा होगा। तो यहाँ पे कुछ आरोप लग रहे हैं और बेबिका को और जिया को और यहाँ पे सभी लोग लपेटे में आ रहे हैं जिनपे कीचड़ गिर रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि मनीषा रानी हो या फलक हो, घर के मेरे को लग रहा है कि पूजा भट्ट को छोड़ के बाकी सारे आरोप सभी लोग कीचड़ में लबालब लब गए हैं। और ये टास्क क्यों कराया जाता है आपको पता है कि इसके पीछे के बाद ही तो थोड़ा सा गेम जागेगी, जब लोगों को पता लगेगा गद्दार कौन है, हमारे पीठ पीछे कौन हम पे वार कर रहा है और कौन हमारे साथ रहते हुए भी हमारे साथ नहीं है। इसीलिए टास्क करवाए जाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जनता के सामने भी कुछ चीजें आ जाए। जनता तो सब कुछ देख ही रही है, 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग देख ही रही है, लेकिन यहाँ पे जनता के सामने के साथ साथ कंटेस्टेंट को भी अब बताने की मुहिम में लग गए बिग बॉस के, भैया ये आपके दुश्मन है, ये आपके साथ नहीं है, ये आपके पीछे ये बात करते, तो वही चीज लाने का फॉर्मेट रहता है और जो हर बारी होता है काला दिल लाल दिल ये चलता है या कूड़ा डस्टबिन कौन है ये टास्क चलते हैं, उस पर ये बाल्टी भर के ले आए हैं। तो आपको क्या लगता है क्योंकि जिस हिसाब से बेबिका के साथ बाल्टी घेर दी गई फिर बजर बजता है कि बेबिका ने वो चीज नहीं कही है, तो फिर बेबिका ने पूछने की कोशिश करी कि सर बताए तो सही कि ये पीछे क्या कौन रहा है, तो फिर कहा गया कि राज को राज ही रहने दो और खुश थोड़ा सा माइंड और दिमाग लगाओ कि बातें किसने कही गई है। तो हो सकता है कुछ चीजें ऐसी भी हो जो पूजा भट्ट ने कही हो और बेबिका के सामने ना कहते हुए पीछे कही हो, और फिर इसलिए तो कहा कि राज को राज ही रहने दो, बताया नहीं कि किसने क्या कुछ किया। तो बेबिका के साथ तो हो रहा है बहुत अन्याय, अगर लोग कहेंगे आप सब, तो बेबिका के साथ हो रहा है बहुत अन्याय, मनीषा रानी हो या जैड हो सबको कर दिया लबालब कीचड़ के अंदर। आपकी इसमें क्या राय है और अगर आपके पास बाल्टी होती तो आप किस पे कीचड़ फेंकना चाहते, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके पास अधिकार होता है। जैसे कहा ना जनता का शो है, तो एक बिग बॉस ने समझ लो कि एक बाल्टी आपको पकड़ा दी आपके घर पे, तो अगर आपके पास इस टास्क में कुछ करने का मौका मिलता तो आप किसके ऊपर डालते पूरी बाल्टी भर के, क्योंकि आप तो सब कुछ देख ही रहे हो और जिस हिसाब से घर के पीछे और घर के अंदर लाइव फिट सब कुछ देख ही रहे हो कि पीछे कौन किसके क्या बातचीत कर रहा है। ज्यादातर बात करते तो कौन दिखती है, बेबी का हो गई, जिया भी करती है बात, ये नहीं है कि जिया नहीं करती है, जिया भी करती है, फलक भी करती है, लेकिन अगर देखें यहां पे तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो घर के पीछे बिचिंग अगर हम कहें तो वो तो खुले तौर पे एक ही खिलाड़ी है और वो है बेबिका। आप आए आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया।